आगरा पुलिस ने नकली तेल का कारोबार करने वाले की गैंगस्टर शाकिर और सनी की 4 करोड़ की संपत्ति की जब्त। आगरा पुलिस द्वारा लगातार अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस कानूनी कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को जब्त करने में लगी है। उसी क्रम में आगरा में नकली तेल का अवैध कारोबार चल रहा था। इस मामले में आगरा के थाना छत्ता निवासी हक्कीमान गली निवासी गैंगस्टर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। नकली तेल के अवैध कारोबार के साथ संपत्ति जुटा ली थी। नकली तेल के अवैध कारोबार से जुटाई संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर अपराधियों से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया। एसपी सिटी विकास कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे गैंगस्टर शाकिर और सनी की धारा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। और वहीं पुलिस ने दोनों गैंगस्टर के मकान के साथ साथ उनके कार और बाइक और लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया। संजय सिंह तोमर, आगरा, R9 भारत। जो नकली मोबी ऑयल होता है उसको इनका गैंग असली के रूप में बनाकर भेजता है, असली डिब्बों में पैक कर उसमें रैपर लगाकर। इस तरह के 5-6 मुकदमे इनके खिलाफ पहले से पंजीकृत है, उसी पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। यदि अन्य कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। ये पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। ये जो माफिया है उनके विरुद्ध की जाए कार्रवाई के क्रम में आज 2 मोबाइल ऑयल माफिया जो कि नकली मोबाइल बनाने का काम किया करते हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उनके मकान जब्तीकरण की कार्रवाई आज जब्तीकरण के आदेश कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया था। ये सनी और सारी 2 भाई हैं जिनके मकानों का जब्तीकरण का, संपत्ति की जब्तीकरण का आदेश किया गया था। आज अवैध रूप से अर्जित कमाई से बनाए गए ये मकान जिनकी कुर्की कार्रवाई यहाँ पर एसपीसीटी साहब के निर्देशन में की जा रही है, आज ये कुड़क किए जाएंगे। इनकी जो कीमत लगाई गई है वो करीब दोनों मकानों की 3.5 करोड़ रुपए की लगाई गई संपत्ति की, लेकिन बाजारी मूल्य के हिसाब से करीब करीब 10 करोड़ रुपए के ये मकान और अवैध संपत्ति है। तो आज ये कुड़क की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत ये कार्रवाई हो रही। कितने मुकदमे इन पर पंजीकृत? देखिए, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा इन पर पंजीकृत किया गया था और इन पर काफी बड़ी संख्या में मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और जिसमें करीब करीब 4-4, 5-5, 6-6 मुकदमे इन पर पंजीकृत है पहले से। सितंबर और अक्टूबर 2020 में इन पर कार्रवाई हुई थी, तो बहुत बड़े स्तर पर ये नकली तेल को ब्रांडेड जो डिब्बों में पैक करके बेचा करते थे। जैसा कि मैंने बताया, पहले भी बताया था कि नकली मोबाइल बनाने का काम किया करते थे और नकली तेल बनाकर उन्हें ब्रांडेड जो कंपनीज हैं उनके नाम से पैक करके ये बेचा करते थे। और एक अवैध, बड़ा अवैध कारोबार इन्होंने कर रखा था और उससे जो अच्छी संपत्ति है, उससे काफी संपत्ति इन्होंने बताई। जो संपत्ति आज कुड़क की जा रही है इसका पता लगाया गया था और वैधानिक रूप से इसका जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय ने की थी। आज इसकी कुड़की कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ और संपत्तियों का और पता लगाया जा रहा है जिनकी कुड़की कार्रवाई बाद में की जाएगी। ये क्रम ऐसे चलता रहेगा और भी लोग आपके रडार में हैं ऐसे जो गलत तरीके से इन्होंने अवैध काफी माफिया जिनमें सट्टे माफिया भी हैं, दूसरे तरह के माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, उस तरह के माफियाओं का जो कार्रवाई है वो पाइपलाइन में, बहुत जल्दी इसी तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।